नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री बनेंगे। पर इसमें सबसे बड़ा इनोवेशन जो होगा वो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। ये सोलर पावर तक सीमित मत रही है, इन हाइड्रोजन जो है ये भविष्य का फ्यूल है। पिछले साल एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसको शायद आपने देखा होगा, जिसमें नितिन गडकरी जी हाइड्रोजन फ्यूल पावर कार में पार्लियामेंट आए थे। और ये जेस्चर एक सिग्नल था लोगों को बताने के लिए कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को लेके। और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, इंडिया की मेजर कंपनीज जैसे कि जून 2022 में अडानी इंडस्ट्रीज ने भी अनाउंस किया था कि वो फ्रांस की टोटल एनर्जीज के साथ मिलकर $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और उसके इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। और अगस्त 2022 में मुकेश अंबानी ने भी अनाउंस किया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के ट्रांजिशन पर फोकस कर रही है और उसके लिए कंपनी नेक्स्ट 15 ईयर्स में $75 बिलियन स्पेंड करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एम है कि ग्रीन हाइड्रोजन के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को $1 per kg पर लाना। आज ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है $5 to $6 per kg। टाटा मोटर्स भी हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल बसेस बनाने जा रही है एंड ऑलरेडी 15 बसेस का उनको ऑर्डर भी मिल चुका है फ्रॉम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसके अलावा 2023 ऑटो एक्सपो में टोयोटा अपनी कार को शोकेस करने वाली है, जिसका नाम है मिराई, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल की पावर से चलने वाली कार होगी। सो हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल को लेके पिछले एक सालों में काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडिया में। और हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्मली ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 4 जनवरी को लॉन्च कर दिया है, जिसमें कैबिनेट ने करीब 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। गवर्नमेंट का यहां पर 3 चीजों पर फोकस है: हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, एनर्जी प्रोडक्शन से होने वाले कार्बन एमिशन को कम करना और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ सवालों को जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल कैसे जनरेट होता है, क्या ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेफ है। इसके अलावा हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की डिटेल्स को समझेंगे और कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का फायदा मिलने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एज एन इन्वेस्टर आपको किन किन चीजों पर, किन किन फैक्टर्स पर ध्यान रखना है बिफोर इन्वेस्टिंग इन ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड कंपनीज। तो ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, सो एंड तक जरूर देखिएगा। हाई, माय नेम इज दिव्यांशु चतुर्वेदी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले इन सब चीजों को ग्रास्प करने के लिए हमें बेसिक्स को समझना होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन आखिर होता क्या है। हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स का सबसे अबंडेंट एलिमेंट कहा जाता है और ये हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है। सन मोस्टली हाइड्रोजन से ही बना है और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सारे लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है, मगर अर्थ में प्योर हाइड्रोजन बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल होता है। ये मोस्टली ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी के फॉर्म में हमारे अर्थ में अवेलेबल है। तो कैसे हम इस अबंडेंट एलिमेंट से फ्यूल बना सकते हैं और अपने प्लैनेट को क्लाइमेट चेंज से बचा सकते हैं? तो अब समझते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल जनरेट कैसे होता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने के लिए हाइड्रोजन को किसी चीज से ऑब्टेन करना पड़ता है। हाइड्रोजन एक एनर्जी कैरियर है, अनलाइक पेट्रोलियम, इसलिए हमें हाइड्रोजन को किसी चीज से बनाना पड़ता है। और ऐसा करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस नाम की प्रोसेस को यूज करते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी की हेल्प से हम इलेक्ट्रोलाइजर से एक केमिकल प्रोसेस करवाते हैं, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो रिन्यूएबल एनर्जी की हेल्प से बनाया जाता है, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। इसके अलावा दो और कैटेगरीज हैं: ब्लू हाइड्रोजन, जो कि फॉसिल फ्यूल की हेल्प से जनरेट किया जाता है विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ऑप्शन, एंड थर्ड है ग्रे हाइड्रोजन, एंड वो भी फॉसिल फ्यूल की हेल्प से जनरेट होता है। आज की तारीख में ग्रे हाइड्रोजन की हेल्प से ही मोस्टली हाइड्रोजन को जनरेट किया जाता है और ये सबसे चीप तरीका है तीनों में हाइड्रोजन को जनरेट करने का। लेकिन अगर हम ब्लू और ग्रे हाइड्रोजन को अगर कंपेयर करते हैं तो ब्लू हाइड्रोजन थोड़ा सा क्लीनर अल्टरनेटिव माना जाता है और ग्रे हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल की हेल्प से जनरेट किया जाता है। जब हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है तो उसे हम डायरेक्टली एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं या फिर ऑक्सीजन से मिक्स करके फ्यूल सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक तरह की बैटरी जैसा यूज होगा। दोनों के रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेट होगी। और अगर हम इस तरीके से बैटरी फॉर्म में हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि जो एमिशन होता है वो टेल पाइप से बाहर आ जाता है एज अ ड्रिंकेबल वाटर। इसका मतलब है कि एज लॉन्ग एज हाइड्रोजन को बनाने में जो एनर्जी लग रही है वो अगर रिन्यूएबल सोर्सेज से आई है तो ये पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी सोर्स होगा। नासा 1960 से हाइड्रोजन को एज अ स्पेस रॉकेट के फ्यूल के तौर पर यूज कर रही है। और आज सिर्फ रॉकेट फ्यूल्स के लिए ही नहीं, बल्कि ये प्लेन्स, ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स के फ्यूल के लिए भी यूज किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब हमें 1960 से हाइड्रोजन फ्यूल को हम यूज करते आ रहे हैं और इसके बारे में पता है, तो ये इतना कॉमनली यूज क्यों नहीं होता है? वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने में बहुत सारा ईंधन लगता है और पहले सिर्फ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से ही एनर्जी क्रिएट की जाती थी, जिस वजह से हाइड्रोजन फ्यूल बनाने में बहुत महंगा था और इसकी जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की धरती पर नुकसान के बारे में पता चला और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कई आवाज़ें उठी, तब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी
और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ लोगों का ध्यान गया। एक और बड़ा कारण यह है कि बड़ी बड़ी कंपनीज का एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर कई डेकेड्स से बना हुआ है और उन्होंने इस पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल होता है कि पुराने सिस्टम को हटा के नया सिस्टम लाना। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हम हमेशा से ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं और ऐसा कोई ठोस हमारे पास सिस्टम नहीं है, तो नए सिस्टम को बनाना, नए सिस्टम को लाना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी है आज के टाइम पर। और इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट को और इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को लगता है कि ना सिर्फ वो इंडिया के लिए हाइड्रोजन फ्यूल को जनरेट कर सकते हैं बल्कि इसको दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पास्ट में हाइड्रोजन फ्यूल की सेफ्टी को लेकर कई सवाल उठते रहे और हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है और इसको एक स्पेसिफिक तरीके से ही स्टोर किया जाता है। लेकिन अगर इसको हम कन्वेंशनल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल या प्रोपेन से कंपेयर करते हैं तो कोई भी फ्यूल जो है वो 100% सेफ नहीं होता। लेकिन अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो ये बाकी फ्यूल्स की तुलना में काफ़ी सेफ है। पहली बात तो हाइड्रोजन जो है वो टॉक्सिक नहीं है अनलाइक अदर फ्यूल्स। इसके बाद अगर हम हाइड्रोजन को पेट्रोल से कंपेयर करते हैं तो ये 14 टाइम्स लाइटर है। मतलब जब भी अगर हाइड्रोजन फ्यूल लीक होता है तो वो बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाएगा, बहुत जल्दी फैल जाएगा, जिससे आग लगने का डर बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा एक्सप्लोजन के लिए हाइड्रोजन को बाकी फॉसिल फ्यूल्स की तुलना में ज़्यादा ऑक्सीजन लगती है, इसलिए एक्सप्लोजन होने के चांसेस भी यहाँ पर कम हो जाते हैं। और आने वाले टाइम पर माना जा रहा है कि नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी और नई स्टोरेज कैपेसिटीज डेवलप होंगी जिससे हाइड्रोजन और भी सेफ होता चला जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल के कुछ एडवांटेजेस हैं जो इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। लिथियम आयरन बैटरीज की तुलना में हाइड्रोजन की एनर्जी स्टोरेज डेंसिटी ज्यादा होती है, इससे ऑटोमोबाइल ज्यादा लंबी रेंज ट्रैवल कर सकते हैं। हाइड्रोजन लाइट होती है और इससे स्टोर करने में बहुत कम स्पेस लगती है। इसके अलावा बैटरी रिचार्ज होने में भी कम टाइम लगता है। लेकिन एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ इसके इश्यूज भी हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इसकी हाई कॉस्ट और इसके साथ साथ रिफ्यूलिंग स्टेशंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी। तो इन्हीं सब इश्यूज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया है। सो फॉर्मर नीति आयोग CEO अमिताभ कांत ने इस बारे में ET में आर्टिकल लिखा है एंड अकॉर्डिंग टू हिम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज अ पाथ ब्रेकिंग मूव। इंडिया में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3 times चीपर है अगर हम बाकी जगह से कंपेयर करें एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की कमी नहीं है, तो इसलिए इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। तो चलिए अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो करीब 20,000 करोड़ यहाँ पर गवर्नमेंट खर्च करने वाली है और इस 20,000 करोड़ में से 17,500 करोड़ रुपए एज एन इंसेंटिव ये कंपनीज को देने वाले हैं। तो दो तरह की कंपनीज को यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा, पहली तो वो कंपनी जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली है और दूसरी वो कंपनीज जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर लगता है वो बनाती हैं, इन कंपनीज को ये इंसेंटिव दिया जाएगा। और ये इंसेंटिव्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स या PLI स्कीम के तहत यहाँ पर सारी कंपनीज को दिया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के क्या बेनिफिट्स होंगे ये गवर्नमेंट ने आउटलाइन किया है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मोबिलिटी एंड एनर्जी सेक्टर को डीकार्बोनाइज करने में इसकी हेल्प होगी। इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स और फीड स्टॉक को कम करने में ग्रीन हाइड्रोजन से हेल्प होगी। इसके अलावा इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज यहाँ पर डेवलप होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। अगर हम एक्सपेक्टेड मिशन आउटकम की बात करते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है कि वो 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का प्रोडक्शन यहाँ पर करना चाहती हैं बाय 2030 और जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसमें 125 GW का एडिशन करना चाहती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कहा है कि इस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 6 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी और फॉसिल फ्यूल को इम्पोर्ट करने में 1 लाख करोड़ रुपए बचाया जा सकेगा। एंड फाइनली 50 मिलियन मेट्रिक टन एनुअल ग्रीन हाउस एमिशंस को यहां पर रोका जा सकेगा, जिससे जो इंडिया ने क्लाइमेट चेंज के टारगेट लिए हैं उनको अचीव करने में हेल्प मिलेगी। सो इस स्कीम का मकसद जो है वो ना केवल इंडिया को हाइड्रोजन प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का एक्सपोर्ट हब बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। सो अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का फायदा होने वाला है। सो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आने के बाद कंपनीज के लिए कई रास्ते साफ हो जाएंगे और उनको आइडिया लग पाएगा कि उन्हें कहां पर इन्वेस्ट करना है। इसके साथ साथ उन्हें PLI स्कीम का बेनिफिट भी मिलेगा और इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम मिलेगा और उसमें सबसे आगे जो नाम है उसमें L&T हो सकता है, इंजीनियर्स इंडिया, ABB हो सकता है। सो इस तरह की कंपनीज को भी देखना होगा क्योंकि पहले चरण में तो यही कंपनीज आएंगी। इसके बाद जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके लिए स्कीम गेम चेंजर हो सकती है और उन्होंने ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पर कमिट कर दिया है, उनमें से नाम आता है अडानी ग्रुप का जो $50 बिलियन अगले 10 साल में इन्वेस्ट करने वाले हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अगले 15 साल में $75 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं, टाटा पावर भी उसमें शामिल है। इसके बाद कुछ स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं जैसे कि गेल, NTPC, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और इंडिया ऑयल लिमिटेड ने पहला कदम उठाते हुए इंडिया का फर्स्ट 99.9%
प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट स्टार्ट कर दिया है जो कि आसाम में है। तो अब फाइनली बात करते हैं कि एज एन इन्वेस्टर यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। तो जिन कंपनीज को मैंने आपको मेंशन किया है उस पर तो आपको फोकस करके रखना ही है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर में वाइबल बनाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन्हें दूर करना होगा एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम पर ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। लाइक कॉस्ट, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है वो काफी कैपिटल इंसेंटिव प्रोसेस है और इस वजह से ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट जो इन दी एंड होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की हेल्प से प्रोडक्शन, रिसर्च और इंसेंटिव की हेल्प से ये कॉस्ट को कम करने में काफी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट चैलेंज है स्टोरेज का, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लेमेबल है और हजार्डस माना जाता है, तो इसको सेफली स्टोर करना बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे अगेन कॉस्ट बढ़ जाती है। एज एन इन्वेस्टर मैं होप करता हूँ कि ये सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट और बिजनेसेस आने वाले टाइम पर दूर कर पाएंगे और आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। इसके अलावा अगर इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्टर बन पाता है तो जियोपॉलिटिकली इंडिया बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएगा। अभी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है वो पूरी दुनिया में ही बहुत ही स्टार्टिंग, बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है। सो अगले 4-5 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर हमें जरूर इसको फॉलो करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आज के वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ वैल्यूएबल आपको जानने को मिला होगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि चैनल की कोई अपडेट मिस ना हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।